हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कीवर्ड हम देखेंगे स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। यानी कि ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम एक कागज को जलाते हैं तो उससे ऐश बनती है, और जो ऐश बनती है वो एक न्यू सब्सटेंस होता है, और ऐश की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है कागज की केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो हम कह सकते हैं कि कागज का जलना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एक न्यू सब्सटेंस ऐश बना है। अब हम सेकंड कीवर्ड देखते हैं। सेकंड कीवर्ड हमें दिया गया है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो सेम डेफिनेशन जो यहाँ केमिकल चेंज की थी, वही डेफिनेशन यहाँ केमिकल रिएक्शन में भी आएगी। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। यानी कि ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। अब हम थर्ड कीवर्ड देखेंगे। थर्ड कीवर्ड है स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से उसी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बनाना, क्रिस्टल्स यानी के दाने या टुकड़े, किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से उसी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बनाना, ये जो प्रोसेस होता है ये क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्रिस्टलाइजेशन को समझाने के लिए स्टूडेंट्स हम आपको एक एक्टिविटी समझाते हैं। ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, एक्टिविटी 6.9। तो इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक बीकर लेना है और उसमें एक कप पानी डालना है, और उसमें कुछ ड्रॉप्स आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे, और उसके बाद आप इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर मिलाना स्टार्ट करेंगे और उसे स्टर करते रहेंगे, यानी के हिलाते रहेंगे। और आप कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक मिलाते रहेंगे स्टूडेंट्स जब तक कि वो डिजोल्व होना बंद नहीं हो जाता, यानी के घुलना बंद नहीं हो जाता। उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे और उसके बाद इस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नजर आने लगेंगे। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना लिए हैं, यही प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। और यही यहां पर भी लिखा गया है, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से अगर आप उसके क्रिस्टल्स बना लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब हम फोर्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ कीवर्ड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी कि आयरन के ऊपर जब हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्यों जरूरी होता है स्टूडेंट्स? गैल्वेनाइजेशन से हम आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। रस्टिंग क्या होता है? आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिससे कि आयरन के ऊपर एक रस्ट की परत जमा हो जाती है जो ब्राउनिश कलर की होती है। इसे हम कहते हैं लोहे में जंग लग जाना या रस्टिंग ऑफ आयरन। इससे जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वो खराब हो जाता है। तो जब हम आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं यानी गैल्वेनाइजेशन करते हैं, तो ये जो परत होती है जिंक की, ये एक दीवार का काम करती है और आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करने से रोकती है, जिससे कि आयरन खराब नहीं होता, आयरन की रस्टिंग नहीं होती। अब हम फिफ्थ कीवर्ड देखेंगे। फिफ्थ कीवर्ड हमें दिया गया है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज।
इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज की शेप में चेंज आ जाए, या साइज में चेंज आ जाए, या उसके कलर में चेंज आ जाए, या उसकी स्टेट में चेंज आ जाए, तो ये एक फिजिकल चेंज होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब फिजिकल चेंज होता है तो इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है। अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो अगर आप एक कागज को काट देते हैं तो ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इससे कागज की शेप और साइज पे फर्क पड़ा है, लेकिन कटने के बाद भी वो कागज है और कटने से पहले भी वो कागज था। तो इसमें किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं आया है, सिर्फ फिजिकल चेंज आया है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप पानी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है उसको ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो चेंज होकर सॉलिड यानी कि आइस में बदल जाता है। तो ये जो चेंज है ये भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि आइस जो कि सॉलिड है और वाटर जो लिक्विड था, दोनों का केमिकल फॉर्मूला H2O ही होता है। यानी कि जब वाटर को आप लिक्विड से आइस में यानी सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसमें किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं आता, सिर्फ उसकी स्टेट बदल जाती है। ऐसे ही अगर आप पानी को लिक्विड से वेपर में चेंज करते हैं, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो वेपर यानी गैस में चेंज हो जाता है, तो वेपर का केमिकल फॉर्मूला भी H2O होता है। इस केस में भी हम देख सकते हैं कि सिर्फ पानी की स्टेट बदली और वो लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। यानी कि अगर आप पानी को सॉलिड में चेंज करें यानी आइस में, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। आप पानी को गर्म करके वेपर यानी गैस में चेंज करें, ये भी एक फिजिकल चेंज है। अब हम सिक्स्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। सिक्स्थ कीवर्ड है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, यानी जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस की फिल्म, फिल्म यानी कि लेयर चढ़ जाती है, यानी कि एक परत चढ़ जाती है ब्राउनिश सब्सटेंस की। इस ब्राउनिश सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस की परत चढ़ जाती है यानी एक फिल्म चढ़ जाती है, इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रस्टिंग ऑफ आयरन से जो आयरन होता है वो खराब हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।